तो लीजिए दोस्तों, प्रस्तुत है आपके सामने अशिक जी की प्रस्तुति। चिट्ठी आई है वतन से, चिट्ठी आई है। आज वर्ल्ड रेडियो डे है और इस खास मौके पर हम आपको एक ऐसे रेडियो स्टेशन के बारे में बताने वाले हैं जिसके आरजे और प्रोड्यूसर भी कैदी हैं और गीतों की फरमाइश करने वाले भी कैदी हैं। जेल में बंद कैदियों के मनोरंजन और उनके अंदर की प्रतिभा को बाहर लाने के लिए इंदौर सेंट्रल जेल में रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई है, जिसे जेल वाणी FM 18.77 का नाम दिया गया है। तो योग और आसन और प्राणायाम को कोरोना से बचाव के लिए कितना प्रभावकारी है? ये बहुत ही सटीक उपाय है और इसको अपनाने पर मैं समझता हूँ 99% चांसेस कम हो जाते हैं कोरोना के। इस गीत के साथ आपका स्वागत करता हूँ, स्वागत है। इंदौर सेंट्रल जेल में एक मधुर सी आवाज गूंजती है, ये जेलवाड़ी है। आप सुनिए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम। खास बात यह है कि इस रेडियो को कैदी ही चलाते हैं और अपने मनपसंद गीत सुनने के साथ साथ लाइव सिंगिंग भी करते हैं। इसमें जेल सुपरिटेंडेंट अलका सोनकर भी भाग लेती हैं। रेडियो स्टेशन चलाने के लिए कैदियों को बकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है। केंद्रीय जेल की सुपरिटेंडेंट अलका सोनकर ने बताया कि ये एक ऐसा मंच है जहां हम कैदियों के अंदर छुपे हुए हुनर को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। शासन की मंशा जो है वो जेल को अब दंडात्मक संस्था न होकर के हम एक सुधारात्मक संस्था के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं और हर एक नया इनोवेटिव काम किया हुआ उस हवन में एक आहुति के समान है। और ये भी एक हमारा प्रयास है कि संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे बंदी में अमूलचूल जो है सुधार किया जा सकता है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए जेल में जेल वाणी का शुरुआत, जिसका FM 18.77 हमने इसकी फ्रिक्वेंसी रखी है, जो कि हमारे जेल का स्थापना वर्ष केंद्रीय जेल इंदौर का है। और मंशा सिर्फ यही है कि जो बाहर से बंदी कटे हुए हैं, जेल के अंदर है, बाहर क्या चल रहा है, तो उन्हें उसके बारे में जानकारी, इसके साथ साथ में जो है विशेषज्ञों से चर्चा कराई जाती है विभिन्न विषयों पर, ताकि जो है बंदियों को सभी विषयों पर उनका जानकारी दी जा सके। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य है, वेलफेयर है, जेल में जो नियम कानून कैसे उनको रहना है, क्या उनको पालन करना है, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रमों के जो है एक मंच हमने प्रोवाइड कराया है। बता दें कि इस रेडियो स्टेशन के माध्यम से कैदियों को पैरोल, जमानत और मुलाकात समेत कई जानकारियां दी जाती हैं। इसके साथ ही कैदियों को जेल में रहने के तौर तरीके और नियम कानून के बारे में भी जानकारी दी जाती है, जो एक अच्छी पहल के रूप में देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।